हाय एवरीवन, आई एम अंजू, योर मैथ्स टीचर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। डी ट्रिपल एस भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है टीजीटी मैथ्स की, और मैथ्स का जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर में है। वहाँ आपको 4 डेट्स मिली है, 2 डेट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 2 फीमेल के लिए, ठीक है। वो आप सब लोगों ने नोटिफिकेशंस पढ़ लिए होंगे अच्छे से। आई थिंक 2nd, 4th, 10th और 11th, ये आपके सितंबर में एग्ज़ाम डेट्स हैं। तो गाइस, अब आप लोगों ने क्या सोचा है कि किस तरह से अब अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है? फिलहाल तो हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि 2 महीने तो एटलीस्ट हमारे पास हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और बनाने से ज़्यादा है कि अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए। और बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, सिर्फ 15 दिन में भी आप वो काम कर जाओगे जो आप 2 महीने में करने वाले थे, ठीक है। क्योंकि जब आन पड़ती है ना, तो ऑटोमेटिकली एक एनर्जी, जब हमें ये हो जाता है ना कि हाँ ये काम अब 2 दिन के अंदर करना है, तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी लेवल है वो स्पीड हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। सो डोंट वरी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैं आपको पहले तो ये बता देती हूँ कि आपने शेड्यूल क्या रखना है, और फिर सेकेंड मैं आपको बताऊँगी वो मंत्र जिससे आपका ये शेड्यूल फॉलो किया जाएगा, ठीक है। पहला शेड्यूल भाई, सबसे पहले आपको पता है शेड्यूल में आप अपना क्या रखते हो, सिलेबस रखते हो, कि कितना सिलेबस है और कितने दिन मेरे पास है करने के लिए, ठीक है। मैंने 15 दिन ही रखे हैं, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। तो 15 दिन में आपने सिलेबस कंप्लीट करना है, और बचे हुए 15 दिन में आपने रिवीजन करनी है, और रिवीजन सेम उसी जगह से करनी है जहाँ से आपने तैयारी करी। पहला पॉइंट तो इस चीज़ को नोट कर लो, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम, आप अपने फॉर्मूले लर्न कर रहे हो या अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, तो रिवीजन ये नहीं है कि किसी और बुक से कर ली। सेम जैसे APGP आपने 11th, 12th की बुक से पढ़ा, और जो उसके नोट्स कहीं और से आपको मिल गए, तो आपने 15 दिन बाद रिवीजन वहाँ से कर ली, नहीं। स्टेप वन आपका यही है, जिन बुक्स को आप स्टडी करते टाइम यूज़ करते हो, कंसेप्ट क्लियर करते टाइम यूज़ कर रहे हो, रिवीजन के टाइम भी आपने वही मटेरियल उठाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका वही था कि सिलेबस कहाँ कहाँ से आता है, 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक है, यहाँ से आता है। थोड़ा इसमें ग्रेजुएशन का भी टच। अब ये बोलो कि क्या 15 दिन में हम सब पढ़ें? बिल्कुल 15 दिन में पढ़ेंगे सभी, लेकिन एक तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें एक चीज़ और ऐड होगी, प्रीवियस ईयर पेपर ये ज़रूर करने हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, कैसे स्टडी करनी है? मान लीजिए आप कल से ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं सपोज, तो 3 अगस्त से आपने पढ़ना शुरू किया, 3, 4, 5, 6, ये मैंने 4 दिन बांट लिए, उसके बाद 7, 8, 9, 10, ठीक है, 4 दिन ये बांट लिए, 11, 12, 13, 14, 15, 5 दिन ये बांट लिए, 16 और 17, ठीक है, हो गए आपके 15 दिन। इनमें क्या करना है आपने, ये मैंने आपको डेट लिखी है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी डेट है, और यहाँ पे मैं आपको लिख रही हूँ कि आपने पढ़ना क्या है। यहाँ पढ़ना है 9th का सिलेबस, 2 दिन है आपके पास 9th कंप्लीट करने के लिए। यहाँ आपने करना है 10th का सिलेबस, ठीक है, बताऊँगी कि कैसे पढ़ना है, 2 दिन में इसको कैसे कवर करना है। इधर आ जाओ भाई, पूरा ये 4 दिन जो मिलके है ना, ये आएगी आपकी 11th पूरी, और पता ही होगा ये है आपकी 12th कंप्लीट करने के लिए, और ये है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, और ये होगा आपका प्रीवियस। अगर यहाँ पे भी आप ग्रेजुएशन 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 18 को ले लो प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व तो आपने यहाँ करने हैं, बट इनको एक रीडिंग यहाँ पर भी देनी है, यानी आज 2 तारीख है, तो आज भी आपने क्या उठाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, और इनकी सिर्फ एक रीडिंग लेनी है, ठीक है, रीडिंग लेनी है। रीडिंग लेने से क्या होगा, स्टेप वन बता रही हूँ कि आज आप यहाँ से शुरू कीजिए, एक रीडिंग लीजिए। रीडिंग लेने से क्या होना है, सिर्फ आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी कोई तैयारी नहीं है तो भी क्या मैं एग्ज़ाम में से कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ या कुछ क्वेश्चन कर सकती हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर को उठाओ, ठीक है, अभी कुछ बच्चे बिल्कुल ही सोए पड़े थे, किसी ने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट आप लोगों ने MSc की हुई है, आप लोगों ने 11th 12th का मैथ पढ़ा हुआ है, समझ आ रही है बात?
तो आपके अंदर इतनी क्षमता है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन इतनी क्षमता है कि आप इस पेपर में से भी 10 से 20 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ये पेपर पढ़ने हैं, जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर हैं हर जगह अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद ये चेक करना है कि मेरे कितने क्वेश्चंस करेक्ट जा रहे हैं। 10 से 20 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे के करेक्ट जा रहे हैं, दैट मीन्स वो सही डायरेक्शन में है अभी भी। यहाँ आपने एक चीज़ देख ली, पेपर रीडिंग। दूसरा आपने ये देख लिया लेवल, एग्ज़ाम का लेवल क्या आ रहा है। क्या मुझे सच में बहुत सारे हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं, या मुझे सिर्फ मीडियम वाला भी काम करूँगा तब भी हो जाएगा। ये मीडियम, हाई लेवल और ये बेसिक है क्या चीज़। देखो भाई, इस चीज़ को मैं समझा रही हूँ, आपकी ये जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है, इसमें से आपका 100 नंबर का पेपर बन रहा है। 100 में से मान लो 10 नंबर की आपकी पैडागोजी भी आ गई, 90 नंबर का पेपर बन रहा है। ठीक है, सिर्फ मैथ वाले पार्ट की बात बता रही हूँ। और आपके पास कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, 40% कहते हैं कि ठीक होना चाहिए आपका पेपर। मान के चलो 40 से 50 आपके क्वेश्चन ठीक हैं, तो अगर आप 90 में से 40 और 50 के बीच में क्वेश्चन करेक्ट कर लें, ठीक है, यानी 40 से 50 के बीच में क्वेश्चन आने चाहिए आपको, तो आधी चॉइस तो दे रहा है ना वो आपको। 90 में से 45 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएं सपोज, तो 45 की वो उसने चॉइस दे दी, यानी इन सब के सिलेबस में से क्या आपको 45 क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। आपने पूरे क्वेश्चन थोड़ी ना अटेम्प्ट करने हैं। आपने क्या करना है, मैं क्या बताना चाहती हूँ, कि अपने माइंड को ये दे के चलो कि एग्जामिनर आपको हर दो क्वेश्चन में से एक करेक्ट करने की चॉइस दे रहा है। एक तरह से 90 में से अगर 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन भी आपने करेक्ट कर दिए, दैट मीन्स यू आर इन गुड सिचुएशन। ओके, सो आपको सबसे पहले मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है इस चीज़ के लिए कि मुझे डरना नहीं है। ये नहीं है कि मेरे पास बहुत टफ पेपर आएगा या बहुत ज़्यादा टाइम कम रहेगा। बहुत ज़्यादा टाइम कम तब रहता है जब आप पहले अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं चलते। टाइम को डिवाइड कर दो, आपने ये सोच के चलो कि 90 क्वेश्चन है, 50 से 60 क्वेश्चन मेरे ठीक होने चाहिए मन में, तो अच्छा यही मान के चलना। और ये सोचना जैसे 5-5 क्वेश्चंस के जो भी हैं कि इन 5 क्वेश्चन पे इतना टाइम लगेगा। जैसे आपने के पास कितना टाइम है, आपके पास 60 मिनट है, 60 मिनट को आप अपने क्वेश्चंस को इक्वली डिवाइड कर दो कि 12 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट मुझे इस पोर्शन पे लगाने हैं। ठीक है, तो उस तरह से पहले टाइम को इक्वली डिवाइड कर लो, और फिर ये देखो कि जितना आपका प्रीवियस ईयर पेपर आया है उसमें कितने क्वेश्चन हार्ड होंगे जो आप कुछ मर्जी कर लो आपको तब भी नहीं आएंगे। आई थिंक 20 से 30 क्वेश्चन, सिर्फ 20 से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे 90 क्वेश्चन में से जो आपको नहीं आते होंगे। लेकिन बाकी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कहोगे यार ये तो फॉर्मूला सिर्फ रिवाइज नहीं है मुझे, अदरवाइज मैं इसको कर देता, है ना। तो बस आपने वही वो पोर्शन पढ़ना है जो आपको एग्जामिनर करने वाले लेवल पे देगा। तो वो आपने क्या करा, आज आपने रीडिंग करी, लेवल का पता कर लिया, अपने लेवल का, अपने लेवल को एग्जाम के लेवल से मैच कर लिया कि एग्जामिनर इस लेवल तक के क्वेश्चन पूछ रहा है और मेरी इस तैयारी से मैं इस लेवल को टच कर जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपने कल से उठानी है 9th की बुक। 9th की बुक को आपने कैसे रीड करना है, मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ। सपोज ये आपके पास 9th की बुक है, ठीक है, पता नहीं ये शायद उल्टा नज़र आए कि सीधा, हर चैप्टर के बाद ये समरी लिखी हुई है। ठीक है, वैसे मैं आपको एडवाइस करूँगी कि बुक कैसे पढ़नी है। जैसे बाई चांस मान लो मैं एक कैंडिडेट हूँ और मैंने अब 9th की बुक पढ़नी शुरू करी है, तो जो भी इसका फर्स्ट पेज होगा जहाँ से ये आपका शुरू होता है, ठीक है, मान लीजिए चैप्टर 9 है, ठीक है, चैप्टर 9 की हेडिंग है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, पूरा यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए रीडिंग। आपने पेंसिल वगैरह कुछ नहीं उठानी, मतलब कॉपी में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपने बुक उठाई, अपनी पेंसिल उठाई हाथ में, उसके बाद आपने जहाँ देखा जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन किया, उसके बाद आपने सारे फॉर्मूलेज के पढ़े। ये जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस इक्वल इन एरिया, स्टेट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट यहीं से मिलके बनेंगी और कहाँ से बनेंगी। 9th और 10th से क्वेश्चन अगर उठेगा तो बस ये रिग्रेट ना हो एग्जाम में बैठ के, यार ये तो 9th की बुक में स्टेटमेंट थी मेरी, ये भी गलत होगी। समझ रहे हो, 90 में से हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन कितने हैं, 20 से 30 है ना, जो पता नहीं कहाँ से हैं, जो हमें आते ही नहीं, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं वगैरह वगैरह, वो क्वेश्चन करने ही क्यों है हमने। 90 में से 30 क्वेश्चन छोड़ दो, 60 क्वेश्चन आते हैं ना, वो तो आपकी बुक से होंगे। आपने सिर्फ उन पे कंसंट्रेट करना है, उन पे फोकस करके चलना है कि मैं अपनी बुक को ऐसा पढ़ूं कि मेरे वो 60 क्वेश्चन कहीं ना जाएं, उसमें से गलती ना हो, जो टिक करूं वो सही हो।
ठीक है, ये आपने रीडिंग करी अच्छे से और समय लगा के अपना पढ़ो, समय लगा के इन द सेंस ये नहीं कि न्यूज़पेपर की तरह पढ़ दिया, स्टेटमेंट समझी, उसको अपने माइंड में बिठा लिया, एक इमेजिनेशन कर ली पैरलोग्राम के बारे में, मैंने ये पॉइंट पढ़े थे, क्योंकि जब आप इस चैप्टर के लास्ट में जाओगे ना बिल्कुल ऐसे रीडिंग करते हुए, इवन ये जो एक्सरसाइज है ना इनकी स्टेटमेंट को भी एक नज़र देख लो कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं शो दैट फॉर ऑल हो, क्योंकि वो भी तो रिजल्ट बनेगी। फिर उसके बाद ये आपकी लास्ट में समरी होगी, हर एक चैप्टर के लास्ट में समरी रीड आउट करी, फिर उसके बाद एक चैप्टर हो गया, सपोज आपने एक से डेढ़ घंटा लगा दिया, ठीक है, बुक उसी टाइम बंद करी और सोचा कि मैंने जो ये याद किया है दिमाग में वो रिवाइज करना शुरू कर दो, ये पॉइंट पैरलोग्राम का, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट, चौथा ये पॉइंट, क्वाड्रिलेटर में क्या पैरलोग्राम ट्रेपेजियम बन सकता है, क्या काइट का ट्रेपेजियम का कोई रिलेशन हो सकता है, क्योंकि जो भी आप चीज़ पढ़ोगे बुक के अंदर ही है, ठीक है, तो वो सब रिवाइज कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि आपको सब याद आ रहा है जो आपने पढ़ा था, दैट मीन्स यू आर इन गुड रीडिंग में, गुड हो आप, ठीक है, ये आपने अपनी रीडिंग को चेक कर लिया। उसके बाद आपने क्या करा, नेक्स्ट चैप्टर जैसे सर्कल, ठीक है, सर्कल में भी बहुत सारे रिजल्ट हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे है क्यूबॉइड, एरिया ऑफ सरफेस, क्यूबॉइड, क्योंकि इनके क्वेश्चंस मैंने बच्चों के गलत होते हुए देखे हैं। हेमिस्फीयर का एरिया आ गया, बच्चों को हेमिस्फीयर के एरिया का फॉर्मूला ही नहीं पता, ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस को आप गलत ना करो, बिल्कुल ये सारे फॉर्मूले रीड आउट किए। एक दिन में आपने बुक को बांट लिया, मुझे 5 चैप्टर करने या 6 चैप्टर करने, उसके बाद अपनी बुक बंद कर दी, ठीक है, हाफ चैप्टर रीडिंग में यहाँ से हो जाएंगे, कहीं कुछ नहीं लिखना, वहीं आपने अंडरलाइन करना, अगर आपको ज़रूरत है कुछ मार्क करने की तो अपनी बुक में ही उसको अंडरलाइन करो, क्योंकि जब रिवीजन डे आएगा ना 18 तारीख के बाद, जब 19 तारीख को आप रिवीजन करोगे तो सिर्फ यही बुक उठाओगे जो आपने 3 तारीख को पढ़ी थी, ठीक है, फिर एक ही दिन में पूरी 9th, फिर अगले दिन पूरी 10th, समझ आ गई मेरी बात। अब 10th में से कितने क्वेश्चन है आप देखोगे, 9th और 10th में कंपैरिजन करें तो 10th वाली क्लास से ज़्यादा आपको रेशियो मिलेगी, और चैप्टर वाइज ना दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब एक इसमें मैं बता रही हूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी, जैसे हाइट और डिस्टेंस का ही मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, हाइट और डिस्टेंस वाले जो ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं, ये टावर है, ये बिल्डिंग है, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, उसमें से दो क्वेश्चन पूछे हुए थे, बताओ इतना छोटा सा टॉपिक और दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं और दोनों क्वेश्चन बड़े आसान, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ ली, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस के सारे जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आपने याद कर ली, डोमेन रेंज वाले फॉर्मूले याद कर लिए, टेबल लर्न कर ली, उसके बाद आपसे क्या पूछ लेगा वो, साइन की वैल्यू ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री, ए एंगल बी एंगल के बारे में बताओ भाई क्या होगा या नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये सब कब निकलेंगे, जब आप फॉर्मूले लर्न करोगे, ठीक है, और हर एग्जांपल को रीड करते हुए चलो कि ये एग्जांपल इस मेथड से हो रहा है, इस मेथड से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाई जितना मर्जी आप अभी भी करके देख लो एग्जाम में, मान लो कई बार क्या होता है एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन उनसे मिलता जुलता आपके पास ज़रूर आ जाएगा, और वो मिलता जुलता क्वेश्चन भी आपका तब होगा ना जब आपने उस तरह के क्वेश्चंस पढ़ रखे होंगे और वो फॉर्मूले आपको याद होंगे। सो फर्स्ट जो मैंने आपको बताया रीडिंग कैसे करनी है, वैसे ही आपने 11th में जाना है, 11th को मैंने 4 दिन दे दिए भाई, मैं तो अपनी तरफ से मैक्सिमम मान रही हूँ इनको, वरना पूरी 11th मैं कहूँ 3 दिन में आप कवर कर सकते हो, ठीक है, रिवीजन वाले दिन कर लेना कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, क्योंकि एक बार पढ़ तो जाओ, ठीक है। उसके बाद 12th को मैंने 5 दिन दे दिए हैं, वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसको 4 दिन में भी कवर कर दो, ठीक है, और 11th 12th का भी आपको यहाँ से स्टैंडर्ड का पता चल जाएगा कि आपका स्टैंडर्ड और एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड में क्या मैच है, क्योंकि देखो इंडिविजुअली डिपेंड कर रहा है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनमें तो बहुत आसान है भाई, डी ट्रिपल एस बी का लेवल जितना मैंने देखा बहुत ज़्यादा हवा नहीं है, बट ये है कि बच्चे ने अगर नहीं पढ़ रखा तो उसके लिए हवा है, और पढ़ रखा है तो सारा गेम एक्चुअली जो डी ट्रिपल एस बी है ना वो खेल जाती है टाइम के ऊपर, कि टाइम उसने बच्चे को इतना दे दिया कि अगर उसको क्वेश्चन आता भी है ना तो भी उसका छूट जाएगा क्वेश्चन। सिर्फ आपने अपनी स्पीड वहाँ बनानी है, और वो तब बनती है जब आप बैलेंस से माइंड को टेंशन फ्री होके काम करते हो, ठीक है, और ये चीज़ कभी मत सोचना टाइम कम है, टाइम कम नहीं है, इनफ टाइम है, बहुत टाइम है, 15 दिन में आप कवर करके रिवीजन भी शुरू कर दोगे, ठीक है, सो डोंट थिंक कि कम है, और ज़्यादा ही अगर आपको डिप्रेशन फील होने लग जाए तो वो अक्षय कुमार वाली केसरिया मूवी देख लेना, सिख जो अपने थे वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे थे वो 21 थे और शायद जो दुश्मन थे वो 11,000 कुछ थे,
ठीक है, तो वो चीज़ एक इम्पॉसिबल थी वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे भी पॉसिबल हुई है। तो वो चीज़ मत समझना कि हिस्ट्री में एक तुम ही हो जिन्होंने एक महीने में कवर किया सिलेबस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 15 दिन में भी सिलेबस कवर करके और एग्ज़ाम क्लियर किया है। फर्स्ट थिंग, अपने माइंड को हमेशा याद दिलाओ, भाई मैं 11th 12th पास करके आया हूँ, मैंने ग्रेजुएशन पास की है, मैंने MSc पास की है, तो मैं एग्ज़ाम क्यों नहीं पास करूँगा? एग्ज़ाम में कहाँ से आ रहा है? 9th और 10th क्लास का नहीं आता तुम्हें, 11th 12th का नहीं आता, ग्रेजुएशन नहीं आती, पास की है ना, तो वो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं है, ठीक है? सो डोंट वरी। तो पहला तो आपको ये बता दिया मैंने, अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो भाई इसमें जो मैं आपको बताऊंगी। यस क्लास, तो अभी ये हो गया कि हमने कितने दिन में कौन कौन से चैप्टर करने हैं, ठीक है, उसके बाद हमने रिविज़न शुरू करनी है। अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ जो आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़रूर करके जाने हैं, ठीक है। सबसे पहला तो आपका वही है, नंबर सिस्टम कह लो, नंबर सिस्टम, ठीक है, कि कौन से फंक्शंस, कौन से नंबर हमारे पास रैशनल है, कौन से ट्रांसेंडेंटल है, वो तो आप जब एग्ज़ाम को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। और एक आपका आता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पे, और मैं कहूँगी आप इक्वेशंस की बात कर लो, ठीक है, और इनके रूट्स की बात कर लो यहाँ से। थर्ड फंक्शन तो पढ़ोगे ही, फंक्शन के अंदर ही ये सब कुछ आ जाते हैं, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। फोर्थ लिमिट पढ़ना, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी, ठीक है, इनके सब के रिजल्ट अच्छे से लर्न कर लेना। पांचवा आपका होगा एपी जीपी, बाइनोमियल से भी क्वेश्चन पूछते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद एक है आपका ये ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से एक सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस से मैंने बताया दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी आपको ये दिया हुआ है, देन ए प्लस बी इज़ व्हाट, टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट ए प्लस बी गिवन है, देन ए एंड बी एंगल इज़ व्हाट, ठीक है। तो टेंजेंट, साइन, कोस इनवर्स वगैरह से सबसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, तो इस सेक्शन को ज़रूर करना, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स कम्प्लीट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और एक है आपका प्रोबेबिलिटी, और नाइन्थ में आपको कहूँगी स्टैटिस्टिक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मीन मीडियन मोड। तो अगर आई थिंक ये टॉपिक्स भी आप अच्छे से कर जाते हैं तो इन टॉपिक से भी आपके नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस बन जाएंगे, 11 12th वाले टॉपिक बता रही हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के मैंने देखे 5 क्वेश्चन आए हैं, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन के मिला के 5 क्वेश्चन, यहाँ से भी 4 या 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो थे स्टैटिस्टिक के, बाइनोमियल का 2 क्वेश्चन था, लिमिट से 2 या 3 क्वेश्चन, डिफरेंशियबल कंटिन्यूटी से 2-2 क्वेश्चन, तो 2-2, 4-6 क्वेश्चन तो ये हो गए, 5 और 5-10 ये हो गए, तो इतना मिला के भी आपके 20 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, ठीक है। ईजी वाले बता रही हूँ मैं, जो आराम से आप निकाल लोगे अच्छे से इनको पढ़ के। लिमिट को कैसे याद करना है भाई? लिमिट के एक वो फॉर्मूले नहीं होते आपके इंडिटर्मिनेट फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 बाई 0, एक तो वो लिमिट, एक तो लिमिट आपने ऐसे ये वाले फॉर्मूले वाले करने हैं। दूसरा आपके पास ये होता है 1 + 1/2, 1/3 प्लस ऑन 1/n, इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगी, ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, ये ग्रेजुएशन की बुक्स में भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की रियल एनालिसिस की बुक निकालोगे ना ग्रेजुएशन की, वहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, कोची फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, तो उन एग्जांपल की स्टेटमेंट को डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। एक जैसे ये इंटीग्रेशन ज़रूर आएगा भाई, वो तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन को ज़रूर करके जाना, इंटीग्रेशन से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपका ज़रूर है, और आप देखोगे इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल वाला इंटीग्रेशन है, कोई भारी भरकम नहीं, लेकिन फॉर्मूले कौन से याद कर लेना, जैसे 1/a² - x² वाला, (0 to a) वाला, और ये फॉर्मूले सिर्फ फॉर्मूले कहानी है, पूरे एग्ज़ाम में कहानी ही फॉर्मूले पे चलेगी आपकी, ठीक है। तो आई थिंक ये अगर बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ जाते हो तो इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है भाई। फिर आपका बचा ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में क्या उठाएं, रियल एनालिसिस की बुक उठाई, लिमिट वाला चैप्टर, सीक्वेंस सीरीज वाला चैप्टर है जो, ठीक है, वहाँ पे आपने स्टेटमेंट और उनके एग्जांपल, एक्सप्रेशंस मत करना ना, उनके एग्जांपल के प्रूफ मत करना, सिर्फ स्टेटमेंट को नोट कर लेना। स्टेटमेंट कई बार डायरेक्ट होते हैं फॉर्मूले, π² / 12 आंसर है, π आंसर है,
कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे ही हैं जो तुम्हें दिख जाएंगे एग्ज़ाम में, रिपीट होते हैं, डायरेक्ट उनको याद कर लो, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं होते, आपको आने चाहिए, वो बाद में आ जाएंगे, बट फिलहाल टाइम की डिमांड ये है कि आपको वो चीज़ें याद करनी है, ठीक है बच्चे? सो आई थिंक ये एक आइडिया है, इस आइडिया से भी आप करके चलोगे ना तो ये मान के चलो 40 से 50 क्वेश्चन हिट हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। डरोगे तो भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है? ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए तो वैसे ही 15 दिन ख़राब हो जाएंगे। सो बेटर है कि आप सिर्फ करो, ठीक है? जितना आपसे हो सकता है। अब जब ज़्यादा आप जितना अपना एफर्ट आप डाल सकते हो मैक्सिमम, वो आपने डाल ही दिया तो उसके बाद रिग्रेट तो नहीं होगा एटलीस्ट, ठीक है? सो आई होप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छा जाए पेपर, यही मेरी उम्मीद है। सो गाइज, अच्छा एक जो बच्चे कई बार वीडियोज़ को देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के मोटिवेशन से चैनल की ग्रो होगी।